अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो करता हूँ कि आप खैरियत होंगे। हमारे पास केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 का हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 जो कि हमने आज पढ़ना है। 5 लेक्चर मजीद जो पहले है वो केमिस्ट्री के मजीद हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड क्या होता है, वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, जो एटम्स होते हैं केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। मजीद हमने इसकी आगे केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन टाइप्स इसकी पढ़ी, हमने कहा देर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो हमने फर्स्ट की बात की, फर्स्ट हमने कहा था कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। मजीद हमने वहाँ पे सेकंड की बात की, हमने कहा वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। मजीद टाइप्स की हमने वहाँ पे बात की, और हमने मजीद थर्ड कहा था हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, विच इज आल्सो कॉल्ड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। हमने कहा था हमारे पास तीसरी जो टाइप इसकी है, हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे डी आना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और मजीद इंशाल्लाह इसके बाद मजीद हमारे पास इसकी चौथी टाइप से रह जाएगी मेटालिक कोवलेंट मेटालिक बॉन्ड, वो हम मजीद बाद में पढ़ेंगे। तो हमारे पास अभी जो हमारा काम है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेफिनेशन इसकी क्या। तो हम कहते हैं आ कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। अच्छा, हमने जब आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वहां पे हमने बात की थी द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। हमने कहा था जब एक जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल तौर पे दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, उसके नतीजे में हमने कहा था जो बॉन्ड हमारे पास बनता है वो क्या कहलाता है, वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इस तरह हमने जब कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हमने कहा था द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो हमने कहा था कोवलेंट बॉन्ड होता है। मजीद हमारे पास थर्ड आ जाती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा कि जब दो एटम जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करने लगते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो उनके दरमियान शेयर होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है। यानी इसका मतलब एक एटम डोनेट करेगा, दूसरा उसी को एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसके नतीजे में उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मजीद दोबारा फिर वाइज कर देता हूँ, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की वो टाइप या हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, हमारे पास इस किस्म का कोवलेंट बॉन्ड टाइप तो नहीं कर कहेंगे क्योंकि वो हमने टाइप सिंगल डबल ट्रिपल पढ़ ली है। तो वहां पर हमने कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, इसमें कंबाइन होने वाला एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करता है। मजीद एग्जाम्पल के साथ इसे क्लियर करेंगे। हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग जो हमें लिखनी है वो होती है रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमने जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, हमने कहा था स्मॉल लाइन, एक हमारे पास छोटी सी लाइन होती है जिसे हम जाहिर करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हमारे पास डबल आ जाती है तो हम दो लाइनों के साथ जाहिर कर देते हैं, अगर हमारे पास तीन लाइनें लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है उनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन चुका है। इस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करते होंगे किसी चीज से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल एरो, एक छोटा सा हमारे पास एरो होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास क्या बन चुका है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है दो एटम्स के दरमियान। एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, अभी एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो कौन डोनेट करेगा, वही करेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होगा, क्योंकि हम वही चीज डोनेट कर सकते हैं जो हमारे पास मौजूद है। अगर हमारे पास चीज मौजूद नहीं है तो हम कैसे उसको जो है वो डोनेट करेंगे। इसी तरह हमारे पास हम एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत ये बताएंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है वो सिर्फ वही जो है वो करेगा, डोनेट करेगा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होगा। अब पहली बात, हम यहाँ पे बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोन पेयर की बात करके लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, व्हाट इज मीन बाय लोन पेयर, लोन पेयर क्या चीज है, अभी इसका क्या मतलब है। हम कहते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जिसने केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया होता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोन पेयर कहते हैं। हमारे पास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डोनेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आ रही हैं, एक हमारे पास है डोनर, दूसरी हमारे पास है एक्सेप्टर।
अब व्हाट इज मीन बाय डोनर, डोनर का मतलब क्या होता है हमें पता है, डोनर डोनेट करने वालों को कहते हैं। तो हम लिखेंगे द कंबाइनिंग एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी दो आपस में जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उनमें से वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं ये दो, एक ये ब्लू है एक ये मेरे पास ब्लैक कलर के दो मार्कर है, फॉर एग्जाम्पल इनको हम कंबाइन करना चाहते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं इनके दरमियान फर्स किया कोवलेंट जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब अगर हम इस तरह कहते हैं इसके पास लोन पेयर मौजूद थे इसने इसको दे दिए तो इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसे हम क्या कहेंगे डोनर, और जिसने एक्सेप्ट वही लोन पेयर किया उसे हम क्या कहेंगे एक्सेप्टर कहेंगे। तो इसका मतलब है द कंबाइनिंग एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो डोनर कहलाएगा, और एक्सेप्टर कौन होगा भी विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास एक्सेप्टर कहलाएगा। अच्छा मुझे दी हमारे पास डेफिनेशन थी इसकी, रिप्रेजेंटेशन थी, एक्सप्लेनेशन थी, मजीद डोनर और एक्सेप्टर का हमने जो कंसेप्ट लिया। तो मजीद लोन पेयर की हमने डेफिनेशन पढ़ी, लोन पेयर लोअर कोर्ट में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है व्हाट इज मीन बाय लोन पेयर, ये भी आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, डोनर और एक्सेप्टर में क्या डिफरेंस है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी मेरे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह ये भी मेरे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मेरे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा मजीद हम आगे बढ़ते हैं जरा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि इसी चीज को हमने एक्सप्लेन करना एग्जांपल के साथ के कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो बॉन्ड होता है वो दो एटम्स के दरमियान कैसे बनता है। तो चलें जी मजीद डिस्कस करते हैं हमसे भी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पहली बात हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन हमारे पास होता है एच थ्री ओ पॉजिटिव चार्ज, यानी एच थ्री ओ और ऊपर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है मुझे इसको भी डिस्कस करते हैं। चलें हम बात करते हैं जरा सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। अब पहली बात जब वॉटर का मालिक्यूल है H2O या मैं डायग्राम इसकी क्लियर कर देता हूं H इस तरह यहां पे H ये वाटर है, जब ये रिएक्ट करता है H प्लस आयन के साथ। अब यहां पे हमने क्योंकि हमने यहां पे जाहिर करना है कि लोन पे किसके पास मौजूद है किसने डोनेट करना है वो अभी लिखते हैं। अब पहली बात ये कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसका मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में इसके पास आ जाएंगे 2 क्योंकि हमने कैपेसिटी पढ़ी, पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 दूसरे की मैक्सिमम 8 होती है, लेकिन इसके पास तो और टोटली 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसी तरह हमारे पास दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो गए। केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक पॉइंट पढ़ा था ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ आधी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसका मतलब आधी शेल में तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब केमिकल बॉन्डिंग में भी यही 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब पहली बात एक इलेक्ट्रॉन की तो इसने म्यूचुअल शेयरिंग इस हाइड्रोजन के साथ की है, यानी इसका मतलब एक इसका इलेक्ट्रॉन यूज हुआ। दूसरा इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग इसने किस हाइड्रोजन के साथ की है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज किए हुए हैं, और इसके आधी शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन थे जिनमें इसने 2 यूज किए हुए हैं तो 2 इसके पास जो हैं वो पड़े हुए हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर इसके पास जो पड़े हुए हैं यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हुए हैं, अब ये क्या करेगा यही जो अपना लोन पेयर है वो हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। अब यही जो लोन पेयर वो डोनेट करेगा, ये डोनेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा भाई डोनर कहलाएगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा ये एक्सेप्टर कहलाएगा। अगर डिफरेंस आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टर एंड डोनर, और आई होप डैट कि अब आप इसको कर लोगे कि जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर वो डोनर कहलाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा वो एक्सेप्टर कहलाएगा। अच्छा मजीद जब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो क्या आ जाता है
अब मैं वोटर को कंडेंस फॉर्म में लिखने लगा हूं, क्योंकि हमने वोटर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ H2O, ठीक है, या वो ब्लैक मार्कर से मैंने उधर लिखा हुआ है, तो इधर भी इसी तरह ताकि कन्फ्यूजन आपको भी हो, तो हमारे पास आ जाएगा H2O। अभी हमने बात की थी इसके पास दो लोन पेयर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या करेगा इसको डोनेट कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास एच आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अब इसको इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर दिया और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पहली बात ये भी साथ साथ बताता चलूं ताकि आप को रिमाइंड करवाता जाऊं कि हम इलेक्ट्रॉन्स लेने और देने का काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एटम चाहता स्टेबल होना, और इसी स्टेबिलिटी के लिए वो क्या कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है या फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसी तरह हमारे पास ये चीज बन जाएगी भाई। और मजीद इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन और ये तीन और एक ऑक्सीजन, तो हम इसको लिख सकते हैं तीन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और ऊपर इसके कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि ओवरऑल इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है, ये हमारे पास थी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, हम यहाँ पे बात करते हैं अमोनियम आयन की, तो हमारे पास अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है BnH3, यानी तीन इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब मजीद इससे पहले भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, इसके पहले शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मजीद इसका जो सेकंड शेल होता है, क्योंकि इसके पास 7 है ना, तो 2 पहले में आ गया तो बाकी 5 रह गए, तो ये हमारे पास बाकी 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब है जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, सिर्फ आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, इस तरह यहाँ पे भी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में वो क्या करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे, विच इज 5, जो कि 5 है, इसका मतलब है एक ही म्यूचुअल शेयरिंग इसने इस हाइड्रोजन के साथ कर ली, एक की इस हाइड्रोजन के साथ कर ली, एक की इस हाइड्रोजन के साथ कर ली, इसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर चुका, बाकी इसके पास रह गया 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, तो ये क्या करेगा वही 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम उससे कहेंगे उसके पास लोन पेयर मौजूद है, जब इसके पास क्या होगा, जब इसके पास हाइड्रोजन आयन आएगा यहाँ पे इसके पास, या प्रोटॉन भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई भी चार्ज ही नहीं है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता वो भी इसने दिया हुआ है, इसको अशद जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिर अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा भाई NH3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H, ये दरमियान में हमारे पास बन गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, तो ओवरऑल जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन होगा उसमें हमारे पास आ जाएगा NH4, क्योंकि एक N है, 4 हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे NH4, ओवरऑल चार्ज इस पर कौन सा आ जाएगा, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, यानी एक ये जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा, डोनर कहलाएगा, ये एक्सेप्ट कर रहा, तो क्या कहलाएगा एक्सेप्टर कहलाएगा। अच्छा, ये तो दो बिल्कुल इजी एग्जांपल थी जो हमने की, एक हमारे पास थर्ड भी इसकी एग्जांपल है, वो है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड ब्रोन ट्राइफ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड ब्रोन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा, ये हमारे पास भी नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड ब्रोन ट्राइफ्लोराइड, ये समझने वाली एग्जांपल है, जरा ये आपने जरा देख लेना। अमोनिया तो भी हमने लिखा, इसका हमने ये तो हमें पता ही है,
इसका मैं डेप्थ लिख देता हूं। इसके हमें पता है जो अमोनिया इसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसके पास पड़ा हुआ है, तीन इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच हैं, एक दो तीन। इसकी ज्योमेट्री वैसे ये नहीं होती, बस सिर्फ समझाने के लिए मैं इस तरह हाइड्रोजन अटैच कर रहा हूं। अब मजीद जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ भी ब्रोन ट्राइफ्लोराइड के साथ, इसका मतलब है एक ब्रोन है, मजीद इसके साथ तीन फ्लोरीन अटैच हैं, एक दो और ये तीन। अच्छा अब इनका हम कैसे जो है वो क्रॉस डॉट जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे। जो ब्रोन होता है ना, ब्रोन ब्रोन का एटॉमिक नंबर होता है फाइव, ब्रोन का होता है फाइव, और जो हमारे पास फ्लोरीन होती है उसका होता है नाइन। इसका मतलब है ये कॉमन सी बात है कि अब ब्रोन के पास फाइव है इसका, तो पहले शेल में आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने आ जाएंगे भाई, तीन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक दो तीन। इसका मतलब आधी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि यहाँ पे भी इसके पास कितने आ गए, तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, एक दो और ये तीन। मजीद फ्लोरिन की बात करते हैं, तो फ्लोरिन का हमने कहा कि एटॉमिक नंबर होता है नाइन, तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले शेल में इसके पास आ गए दो इलेक्ट्रॉन, और मजीद हमारे पास नाइन इलेक्ट्रॉन थे, तो दूसरे शेल में कितने आ गए, सेवन इलेक्ट्रॉन। तो हमने एक बात की थी, हमने कहा था ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, यानी सिर्फ आधी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तो इसके पास आधी शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, ये ब्रोन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की मुचशरी करता है एक फ्लोरिन का एटम, इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन जो है ये आ गए। इसी तरह ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की मुचशरी करेगा ब्रोन के साथ, सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके ये। इस तरह ये भी फ्लोरीन क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके ये आ गए। इसका मतलब इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन थे आधी शेल में, वो हमने लिख दिए, इसके पास भी सेवन थे, इसके पास भी सेवन थे, ब्रोन के पास फाइव होते हैं आधी शेल में, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमने लिख दिए। अब क्या होगा, अब जो ब्रोन ट्राइफ्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो जो अमोनिया के पास पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या करेगा, वो इसको ट्रांसफर कर देगा, यानी ब्रोन को दे देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इनके दरमियान क्या होगा भी, इनके दरमियान फॉर्मेशन हो जाएगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। मजीद हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे हमारे पास आ जाएगा एन एच एच, यानी ये हमारे पास अमोनिया आ गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर पड़ा हुआ है ये शेयर हो जाएगा, ये दरमियान में जो स्मॉल एरो इंडिकेट करेगा कि इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन चुका है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। तो ये हमारे पास फ्लोरीन आ गया, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, क्योंकि तीन फ्लोरीन है, दो हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास थर्ड इसका एटम आ गया। अब जिसने डोनेट किया ये डोनर कहलाएगा, इसने एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का पेयर किया एक्सेप्टर कहलाएगा, और जिसने डोनेट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसने एक्सेप्ट किया इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, विच इज द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर सिक्स, जिसमें थोड़ा सा जरा रिवाइज कर देता, पहले हमें डेफिनेशन करनी है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर हम कंसेप्ट लिखेंगे डोनर एक्सेप्टर का, डिफरेंस और बॉन्ड में शोर कसम के तौर पर लोन पेयर क्या होता है हमें पता होना चाहिए, और मजीद आगे ये तीन एग्जाम्पल हैं जो कि हमने करनी है। ये हमारे पास था लेक्चर नंबर सिक्स, इंशाल्लाह मजीद अगले लेक्चर में आगे मिलते हैं।